हेलो स्टूडेंट, कल जो हमने देखे थे वह जो है टी पाइप इक्वल डायमीटर 90 डिग्री, इसके बारे में देखे थे। आज जो हम जो लोग देखने जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट सीखेंगे उसका नाम है टी पाइप 60 डिग्री इक्वल डायमीटर। जो टी पाइप 60 डिग्री जो इक्वल डायमीटर जो है डायग्राम निकालने के लिए, सबसे पहले हम लोग ये आप छोड़ दीजिए, ये मैंने आप लोगों को कम समय में होना चाहिए करके ये दोनों डेवलपमेंट वगैरह सब निकाल के रखा हूँ। लेकिन सबसे पहले निकालना है ये 120 बाय 60 मिलीमीटर का एक स्क्वायर, जिसमें एक सेंटर लाइन आएगी और वही सेंटर लाइन एक्सटेंड करके सामने एक्सटेंड करके आप लोगों को रखना है। अब ये जो है सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट को ये जो है नीचे में जो है 60 डिग्री पे उसको लाइन लेना है। तो ये जो नीचे की जो लाइन है वहाँ पे अगर आप 60 डिग्री ले लोगे तो ये जो है ये ऑफ साइड जाएगा, ये एक साइड चले जाएगा। तो ये जो है उसको एक दूसरा नाम भी है, ऑफ साइड टी पाइप भी बोल सकते। तो यहाँ पे अगर सेंटर ले लिए तो यहाँ से 30-30 डिग्री दोनों साइड में जब हो जाएगा तो ये जो है ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये सेंटर लाइन को एक्सटेंड करके दोनों साइड में 30 डिग्री 30 डिग्री करके एक स्क्वायर 120 बाय 60 का ये भी बनेगा। उसी को नीचे अगर एक्सटेंशन लाइन से नीचे अगर लेते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो फिर ये बाइफरकेट करके फिर एक सर्कल निकाल लेंगे, जिसके अपन 0 से 12 पार्ट बना लेंगे। ये 0 हो गया, वही त्रिज्या रख के यहाँ से फिर 12 पार्ट बनाते हैं। वही पार्ट को जो है वह जो पार्ट है वह पार्ट को हम सीधा ऊपर ले लेंगे, यानी वर्टिकल लाइन ले लेंगे। यहाँ से सेट स्क्वायर कहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे सेट स्क्वायर लगा के ये जो लाइन है ये वर्टिकल ले लेंगे। अब यह जो डेवलपमेंट है, पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट नंबर 2 हो गया, ये पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 1। अब इसी को जो है 120 को जो है पैरेलल लाइन में हम लोग नीचे में निकालते हैं, यानी उसी के पैरेलल डेवलपमेंट की शुरुआत कर देते हैं। तो उसमें ये 90 डिग्री की एक लाइन ओढ़ लिए और वहाँ से यहाँ का जो 0 से 12 पार्ट है यहाँ से एक पार्ट लेके यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऐसे 12 पार्ट कर लेंगे। एक ही पार्ट लेना है, वही पार्ट से 12 पार्ट कर लेंगे। अब ये 12 पार्ट होने के बाद हम लोग जो है ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पे टच हो रही, तो ये पहला पॉइंट हो गया। यानी कैसा मिलेगा, तो फिर ये यहाँ के जो है ये जो है साइड व्यू निकालेंगे हम। साइड व्यू में ये 60 डायमेंशन जो है इसको हम लोग एक सर्कल निकाल लेंगे, वह सर्कल को हम 0 से 12 पार्ट में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पे जॉइंट जो है ये ऊपर में है तो यहाँ पे दिख रहा है जॉइंट, और इसका जो जॉइंट है ये साइड में है करके ये साइड में दिख रहा। तो जहाँ से जॉइंट की शुरुआत होती है वहीं से हम लोग जॉब की शुरुआत करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है ये 3 से लेकर 9 तक यह जो पाइप है यहाँ पे अटैच है, तो ऊपर का जो पोर्शन है अटैच नहीं है करके ऊपर के पोर्शन में हम लोगों ने जो जॉइंट हम लोग नहीं देंगे पार्ट नंबर 2 में, ठीक। तो यह जो ये जो पार्ट है 4, 5, 6, तो यहाँ पे जो लाइन मिलेंगी यह लाइन जो है पैरेलल सामने ओढ़ लेना है, और जो वर्टिकल और जो पैरेलल लाइन जहाँ पे क्रॉस हो रही वो जो पॉइंट है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से जो वर्टिकल लाइन जो है जो और पैरेलल लाइन जहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं वो पॉइंट को हम मार्क कर देंगे, और यही जो पॉइंट है ये सामने पैरेलल वो जो पार्ट नंबर 1 का जो है उसको पैरेलल जो सामने जाने देंगे। अब 0, 1, 2, 3 ये पार्ट गए, अब ये 4 की लाइन, ये 5 की लाइन और ये 6 की लाइन, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 का। तो
पार्ट नंबर वन का डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद ये जीरो का पॉइंट हो गया, ये 12 पार्ट हो गए। 12 पार्ट होने के बाद हमारा जॉइंट कहाँ से शुरुआत हो रहा है ये सबसे पहले ध्यान में रखना है। हमारा जॉइंट शुरू हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका जो पहला पॉइंट आएगा, उसके बाद में ये जो है ऊपर जा रहा दूसरा पॉइंट, उसके बाद में और ऊपर जा रहा, उसके बाद में और ऊपर जा रहा, ये तीन नंबर का पॉइंट हो गया, ये 0, 1, 2, 3। उसके बाद में चार कहाँ पे आ रहा, नीचे में, तो इसकी लाइन कौन सी है, यह देखो यहाँ पे आ गई, ये चार, फिर पाँच की लाइन, फिर छः की लाइन यहाँ पे, और उसके बाद में और रिटर्न 7, बाद में 8 की लाइन और 9 डायरेक्ट ऊपर। ये तीन लाइन पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे 3 से लेकर 9 तक। बाद में जॉइंट अगर यहाँ पे है तो अब 9 से हम रिवर्स आ रहे, जैसे यहाँ पे ऊपर गए धीरे धीरे, तो यहाँ से धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। 9 के बाद में 10 का पॉइंट, 11 का पॉइंट और 12 का पॉइंट। देखो 9 का पॉइंट, 10 का पॉइंट, 11 का पॉइंट और ये लास्ट वाला 12 का पॉइंट। बस यहाँ पे हमारा जो जॉइंट है यहाँ पे, यानी जॉब जो है ये कंप्लीट हो रहा। अब रहा क्या, तो लेफ्ट साइड में जो है हम लोग 5 मिलीमीटर जॉइंट अलाउंस दे देंगे, कहाँ पे, जहाँ से जॉइंट शुरू हो रहा। ये हो गया 5 मिलीमीटर जॉइंट अलाउंस और इधर 5 और 5, 10 मिलीमीटर। अब यहाँ से तो ओढ़ लिए, अब ऊपर से ओढ़े हैं, तो हम लोग इसकी ज़रूरत नहीं है। जॉइंट कहाँ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे। अगर जॉइंट हम यहाँ से ऊपर से देंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक 45 डिग्री में कर दे देंगे। यहाँ पर भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोचिंग, क्या कहेंगे, नोचिंग, ये क्रॉस कट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया पार्ट नंबर वन रेडी। अब हम लोगों को पार्ट नंबर टू रेडी करना है, तो यह जो है पार्ट नंबर दो, पार्ट नंबर दो का ये सर्कल हो गया और ये जो है यहाँ पे एक्सटेंड होके ये जो पार्ट नंबर वन के जो पॉइंट्स आए, ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह जो पॉइंट है यह ऊपर में एक्सटेंड हो जाएंगे, वर्टिकली चले जाएंगे ऊपर में। तो यहाँ पे जो वर्टिकली गए हैं ये यहाँ पर भी कभी भी गिन लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पे 5 होता है या फिर 7 होता है तो फिर, या फिर यहाँ पर भी अगर 5 हुआ या 7 हुआ तो आपका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं गलत है। कभी कभी यहाँ पे हो सकता है कि लाइन जो है 0.5 मिलीमीटर या 0.25 मिलीमीटर तक आ सकता है, तो लाइन जो है एकदम क्लोज रह सकती है, तो उस वक्त फिर एक ही 5 ही लाइन दिखेंगी, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, तो उसी लाइन को कंटिन्यू करना पड़ता है वहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो है ये जो लाइन्स जो है ये वर्टिकली ऊपर ले लिए, ये सबसे पहले इसको पैरेलल ले लिए और उसी के पैरेलल ये सभी जीरो से जो 6 लाइन है ये सब जो लाइन है इसको हमने ऊपर ले लिए। अब क्या हो रहा कि आने वाला जो है जो जॉइंट है, जॉइंट कहाँ पे है, 0, 1, 2, 3, 3 से लेकर 9 तक जॉइंट है, तो हम लोग 0, 1, 2, 3 ये पॉइंट छोड़ देंगे, उसके बाद में 12, 11, 10 और 9 ये भी छोड़ देंगे। तो अब हम लोगों को 2 पॉइंट मिल रहे, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, 3 और 9, 3 और 9, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा। उसके बाद में हम 4 और कितना 8, 4 यहाँ पे है, उसके बाद में 4 और यहाँ पे 8, उसी तरह इधर भी 4, ये 8 हो गया और ये 4, उसके बाद में 5 और 7 कहाँ पे है, 5 ये 5 और ये 7 ये 7। अब 6 जो है 3, ये जो 6 जो है 6 और 12, 6 का जो है पॉइंट ये 6 और 6 ये यहाँ पे ओवरलैप हो गया। अब इसको हम लोग अगर जोड़ देते हैं
इसको हम लोग अगर ऐसे जोड़ देंगे तो ये ऐसा, ये फ्रेंच कर्व से जोड़ना है और ये साइड से ये विदाउट सेट स्क्वायर रहने की वजह से थोड़ा सा अलग आ रहा, लेकिन उसका एग्जैक्ट शेप शेप ऐसा आएगा। ये जो शेप है ये साइड में और इधर का जो है करीबन ऐसा शेप आएगा। अगर सेट स्क्वायर से निकालेंगे तो करीबन ऐसा आएगा। इसमें थोड़ा चेंज हो गया है। ये हो गया पार्ट नंबर एक का। यहाँ पर भी हमने आर्क निकाल लिए 0 से 3 ऐसा निकाल के यहाँ एंड कर दिए। अब यहाँ पर भी एक 5 मिलीमीटर नीचे के पोर्शन बॉटम को 5 मिलीमीटर देना है जॉइंट अलाउंस, क्रॉस लाइन कर दिया। ऊपर में 5 और 5 10 5 और 5 10 मिलीमीटर क्रॉस कट कर लो, क्रॉस कट कर लो, इसको कटिंग कर लो। ये यहाँ पे लाइन दिख रही है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह अब मैंने यहाँ पे एक लाइन निकल के रखा हूँ। तो ये जो है कभी भी जॉइंट ये जो लेंथ जो है, तो हम लोगों को ये हो गया पेपर कटिंग। पेपर कटिंग के बाद में जब हम शीट पे कटिंग करते हैं, पत्र पे कटिंग करेंगे, GI शीट, MS शीट, BI शीट इसके ऊपर रखेंगे, तो इसको ये काट के तो ये जो है हाइट और जो लेंथ इसको डायमेंशन कर लेना जॉइंट से लेकर ये जॉइंट तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये डिस्टेंस चेक करने के बाद उसी के हिसाब से हम लोग शीट कटिंग करेंगे। और यह जो है इसमें ये डेवलपमेंट की कौन सी सिस्टम है, तो पैरेलल लाइन मेथड। और सबसे लास्ट में क्या आता है, तो ऑल डाइमेंशंस आर इन मिलीमीटर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो स्केल है 1:1 ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग 120 और 60 जो डायमेंशन है वही डायमेंशन अगर लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे 1:1, या फिर अगर वो 120 की जगह अगर 60 मिलीमीटर होता है और 30 या 60 की जगह 30 मिलीमीटर होता है तो डायमेंशन कितना हो गया, हाफ। तो उसको लिखेंगे हम 1:2। तो यह जो है डेवलपमेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद में दूसरा डेवलपमेंट देखेंगे।